गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड लेसन. दिस इज स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, सो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या सीखा था? स्टोरेज डिवाइसेस हमने सीखे थे, सीडी, डीवीडी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और उसके जो कौन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो हमने सीखे थे. तो इसमें है स्टोरेज डिवाइसेस, हमें डीप में सीखना है. तो अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं. When you are learning about a topic, you may often note down important information. जब हम लर्न करना शुरू करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट जो नोट्स होती है उसे हमें लिखना चाहिए. यू कैन रीड दिस इन्फॉर्मेशन लेटर. जिस लिखा हुआ जो होता है हमारे पास, उसे हम बाद में यूज़ कर सके, बाद में रीड कर सके. इसके लिए समटाइम्स यू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड टेम्पररली एंड अदर टाइम्स यू राइट इन अ नोटबुक टू सेव नोट्स फॉर लेटर यूज़. ओके, सो टीचर्स जो आते हैं आपको पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर, तो वो लोग क्या करते हैं? टेम्पररली यूज़ करते हैं, क्योंकि एक पीरियड होता है तो वो पढ़ाने के लिए बोर्ड पर लिख के, ब्लैक बोर्ड पर लिख के वो लोग रफ करके चले जाते हैं. उस जो नोट्स होती है उसे आप अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करते हो, टेम्पररली नहीं करते हो. आप उसे रफ नहीं करते हो. जब पीरियड ख़त्म हो जाता है तो आप उसे रफ करते हो नहीं, उसे आप परमानेंट उसे अपनी एग्जाम तक लर्न करने के लिए, सेमेस्टर खत्म ना हो जाए तब तक लर्न करने के लिए आप रखते हो. तो उसे कौन सी मेमोरी कहते हैं? उसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं. और जो मैम जो पढ़ा के चले जाते हैं, टीचर्स जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा के चले जाते हैं, उसे हम टेम्पररी मेमोरी कहते हैं. तो यहाँ पर है सिमिलरली अ कंप्यूटर सेव्स डेटा आइदर टेम्पररली और परमानेंटली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. कंप्यूटर में भी कैसी है? परमानेंट और टेम्पररी मेमोरी है. तो ये तो हमने आगे वाले प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था. अ स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोरेज इन्फॉर्मेशन. सच इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड फॉर लेटर यूज. अ स्टोरेज डिवाइस कैन सेव इन्फॉर्मेशन टेम्पररली और परमानेंटली. जो स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के, वो कैसे है? परमानेंट भी है और टेम्पररली भी है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज मीडिया. उसे हम और भी क्या कहते हैं? स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं. सच डिवाइसेज आर आइदर इंटरनली कनेक्टेड और एक्सटर्नली अटैच्ड टू अ कंप्यूटर. तो कुछ जो है डिवाइसेज वो कैसे है? आइदर इंटरनली कनेक्टेड, अंदर भी कनेक्टेड है जैसे हार्ड डिस्क, और एक्सटर्नली अटैच्ड जैसे पेन ड्राइव. ओके, तो टू अटैच टू अ कंप्यूटर, कनेक्ट है कंप्यूटर से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक पूरा एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कैसे कैसे कौन से टाइप की मेमोरी है. तो वहाँ पर है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ डिवाइस इज मेजर्ड इन बिट्स. यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट, कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो जो अमाउंट मतलब उसका मेजरमेंट क्या है, तो उसे हम कंप्यूटर में उसे बोलते हैं बिट्स. तो यहाँ पर पूरा एक उसका दिया गया है. वन बिट इक्वल टू आइधर वन और जीरो. सेकेंड वन है वन बाइट इक्वल टू एट बिट्स. नाउ नेक्स्ट इज वन किलोबाइट केबी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स. नेक्स्ट इज वन मेगाबाइट एमबी इक्वल टू 1024 किलोबाइट केबी. एंड नेक्स्ट इज वन गीगाबाइट जीबी इक्वल टू 1024 MB. And last one is 1 terabyte TB equal to 1024 GB. Now next is good to know there is a removable hard drive acts as an external storage device that can also be connected to a computer internally. So एक hard disk जो होती है वो computer के CPU के अंदर भी होती है, और एक hard disk ऐसी भी आती है जो हम कनेक्टेड बाहर से भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज भी उसमें कनेक्ट भी कर सकते हैं उसे. नाउ नेक्स्ट इज लेसन गोल्स. सो इस लेसन में हम क्या सीखेंगे? तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी. जो हमने आगे सीखा है जो टेम्पररी और मेन मेमोरी में, तो उसमें हमें सीडी हमने सीखा था, सीडी, डीवीडी, ये सारे हमने सीखे हुए, पर इसमें हम लेसन में हम डीपली सीखेंगे. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो फुल फॉर्म है डीवीडी का. एक्सप्लेन द यूज ऑफ अ हार्ड डिस्क. नेक्स्ट वन इज अ आइडेंटिफाई यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी डिवाइसेस. एंड लास्ट वन इज लिस्ट द फंक्शंस ऑफ अ सोर्स डिजिटल एसडी कार्ड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज our first topic is compact disc CD. CD is a short form and compact disc is a full form. So
let's start. A CD is a removable digital storage device that is used for storing data. CD का use क्या है? Removable digital storage है. तो डिवाइस है जिसका यूज है स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करना है. इट इज ऑल्सो कॉमनली यूज फॉर प्लेइंग ऑडियो और वीडियो. ऑडियो और वीडियो मतलब कॉमनली यूज होता है मूवीज के गाने बजाने के लिए, या फिर नॉर्मली यूज होता है कि एनुअल फंक्शन में हमें मिलती है डीवीडी, सीडी, पिक्चर की, मूवीज की, कार्टून मूवीज की बहुत सारी सीडी और सीडी अवेलेबल होती है मार्केट में. नाउ नेक्स्ट इज A CD is a small disc-shaped portable device. CD कैसी है? तो small है और disc-shaped portable device है. It is a magnetic type of storage device. Now next is storage capacity. तो CD की capacity कितनी है storage? तो a standard CD is usually a read-only storage device, which means you can only view data available on the CD. ओके, यू कैन नॉट कॉपी डेटा टू द सीडी. आप जो भी आपकी सीडी में डेटा है वो आप कॉपी नहीं कर सकते हो. इट कैन होल्ड 650 to 700 MB ऑफ डेटा एट अ टाइम. एक टाइम पे आप कितना डेटा उसमें होल्ड कर सकते हो, कितना स्टोर कर सकते हो, तो 650 to 700 MB. नाउ रीराइटेबल वर्जन ऑफ सीडीज आर ऑल्सो अवेलेबल विच आर नोन एज CDRW. These all allow you to copy data from the computer into a used CD. Okay, तो जो अभी new CDs आई है उसमें क्या होता है कि this allows to you copy data. जो new CD version है उसमें क्या होता है कि आप copy कर सकते हो अपने data को किसी और CD में. ठीक है. Now, common use. A CD is commonly used to playback audio and video. Video और audio playback use करने के लिए. तो टुडे सीडीज हैव कम्प्लीटली रिप्लेस द टाइप्स दैट वर बींग यूज बिफोर फॉर द सेम पर्पज. फॉर मैनी कंपनीज सीडीज आर ऑल्सो यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, एनुअल फंक्शंस और बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे जो होते हैं वो सीडी में ही बनते हैं, और फिर वही हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम भी आता है. तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डीवीडी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. तो डीवीडी इज अ शॉर्ट फॉर्म एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क उसे हम फुल फॉर्म कहेंगे. तो ऑल्सो कॉल्ड एज डिजिटल वीडियो डिस्क उसे हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं. इट इज़ अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस. यहाँ पे उसका एक पिक दिया गया है, पिक्चर दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम सीडी के जैसा ही दिखता है पर थोड़ा डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? तो नाउ इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक आई विल एक्सप्लेन दिस. तो यहाँ से है स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. इसमें जो है सीडी से ज़्यादा, सीडी जो हमारी है उससे ज़्यादा डीवीडी में आपका होल्ड कर सकता है, आप स्टोर कर सकते हो अपना डेटा. और अ डीवीडी कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन इन द रेंज ऑफ 4.7 GB to 17.08 GB. तो वहाँ पे हमारे पास 650 टू 700 सीडी में हम स्टोर कर सकते थे, इसमें हम कितना कर सकते हैं 4.7 GB to 17.08 GB तक. टुडे डीवीडीज आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग एंड व्यूइंग डेटा. तो टुडे इज अभी मतलब बहुत मार्केट में जो सीडीज बहुत कम चलती है, डीवीडीज ज़्यादा अवेलेबल रहती है. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे है क्विक बाइज. डीवीडीज वर डेवलप्ड बाय मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज इन 1997. तो कब हुआ था ये, कब हमको सीडीज कब डेवलप्ड हुआ था? तो 1997 में. अ डीवीडी इज सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर टू अ कॉम्पैक्ट डिस्क. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सीडी और डीवीडी दोनों दिखती कैसे है, सेम है. डीवीडीज आर ऑफन यूज स्पेशली टू प्ले मीडिया सच एज मूवी और म्यूजिक और टू स्टोर प्रोग्राम. जैसे डीवीडी सीडी वर्क करती है वैसे ही डीवीडी भी वर्क करती है, पर उसमें क्या है स्टोरिंग डेटा क्या है ज़्यादा है स्टोर करने के लिए. तो रीराइटेबल डीवीडीज आर ऑल्सो अवेलेबल टू कॉपी डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, फाइल्स और म्यूजिक एंड वीडियोज. नाउ नेक्स्ट इज DVDs are played using a device called the DVD drive. Okay, DVD जो है DVD drive में आप use कर सकते हो. Now next is
कॉमन यूज कंपेयर टू अ सीडी. सीडी के कंपेयर में डीवीडीज अलाउ व्यूइंग अ हाई क्वालिटी वीडियोज. उसमें कैसा दिखता है, जैसे सीडी के कंपेयर में अपनी डीवीडी में कैसा है, अलाउ व्यूइंग हाई क्वालिटी वीडियोज. वीडियोज उसकी क्वालिटी अच्छी होती है. अ डीवीडी ऑल्सो शोज वेरी लिटल रिडक्शन इन क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Hence, you could select a DVD over a CD when you want to store a large amount of data for a very long period of time. DVD में, CD में क्या है कि आप अगर बार बार use कर रहे हो उसको तो CD खराब हो जाती है, और DVD में ज़्यादा उसकी अच्छी होती है क्वालिटी, तो उसकी क्या होती है कि स्टोरिंग भी ज़्यादा कर सकता है और हमारे बार बार चलाने से वो खराब नहीं होती है. तो वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग पीरियड तक आप उसको अच्छे से रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क. ओके, अ हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज अ शॉर्ट फॉर्म एंड हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ फुल फॉर्म. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर कंप्यूटर. वहाँ पे नाउ नेक्स्ट इज इट हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर. सो हार्ड डिस्क इज अ लार्जेस्ट कैपेसिटी एक है जो वहाँ पे स्टोरेज करता है. तो इट्स सोल पर्पज इज टू स्टोर इंफॉर्मेशन. उसका एक पर्पज़ है हर चीज़ का. तो सीडी का है, डीवीडी का है, वैसे ही हार्ड डिस्क भी क्या है, उसका एक पर्पज़ है क्या है, टू स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन. इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. वो वहाँ कहाँ पे है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU में अटैच्ड होती है कैबिनेट ऑफ अ कंप्यूटर. और टिपिकल हार्ड डिस्क कंटेन्स टू इलेक्ट्रिक मोटर्स अलोंग विद द सिलेंडर ऑफ मल्टीपल डिस्क प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. ओके, सो उसके साथ क्या होता है कि टिपिकल हार्ड डिस्क जो होती है कंटेन्स टू इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है उसके साथ, अलॉन्ग विद अ सिलेंडर ऑफ मल्टीपल डिस्क प्लेस ऑन टू ऑफ ईच अदर. ओके, द पेंट एंड नोट पेड फाइल्स दैट वी हैव क्रिएटेड एंड सेव्ड सो फार आर ऑल सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क इन द CPU कैबिनेट ऑफ द कंप्यूटर. हमारे जो सारे प्रोग्राम्स हैं हम जो सेव करते हैं वो सारी चीज़ें कंप्यूटर में वो कहाँ पे सेव होती है, तो हार्ड डिस्क में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी. हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, सीडी की हमने देखी, डीवीडी की हमने देखी. नाउ नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क की हम देख रहे हैं, तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क इज परमानेंटली सेव्ड. जो इसमें हार्ड डिस्क में जो भी सेव्ड होता है वो डेटा, वो कैसा है, परमानेंटली सेव्ड होता है. अ हार्ड डिस्क रिमेन्स इन अ फिक्स्ड प्लेस इनसाइड द CPU कैबिनेट ऑफ अ कंप्यूटर. हार्ड डिस्क की रिमेन्स इन अ फिक्स प्लेस, एक फिक्स प्लेस है कंप्यूटर में, CPU में, CPU कैबिनेट में, तो उसे उसमें रखा जाता है. डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटी अ हार्ड डिस्क कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन अप टू सर्वल टेराबाइट्स इन साइज. तो हार्ड डिस्क की जैसे DVD है, CD है, उसकी जैसे कैपेसिटी है स्टोरेज की, वैसे ही हार्ड डिस्क की भी स्टोरेज कैपेसिटी हमने यहाँ पे देख ली. नाउ कॉमन यूज़ क्या है, अ हार्ड डिस्क इज कॉमनली फाउंड कनेक्टेड विद द CPU इंटरनली कनेक्टेड होता है CPU से. और हाउएवर रिमूवेबल वर्जन ऑफ हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल. हार्ड डिस्क हम CPU से कनेक्टेड करके जैसे पेन ड्राइव यूज़ करते हैं वैसे ही हार्ड डिस्क को भी हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दिस कैन बी अटैच्ड एक्सटर्नली टू अ कंप्यूटर एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू वन कंप्यूटर टू अनदर. हार्ड डिस्क को, उस हार्ड डिस्क को हम जो एक्सटर्नल अटैच होती है वो कैसी होती है कि जैसे हम पेन ड्राइव को यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या फिर कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं, वैसे ही इसे भी अटैच कर सकते हैं. एवरी कंप्यूटर हैज़ अ हार्ड डिस्क दैट वर्क्स एज एन इम्पोर्टेंट स्टोरेज डिवाइस. हर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती ही है जो एक स्टोरेज डिवाइस है और हर कंप्यूटर में होता है. पोर्टेबल डिवाइसेज है नेक्स्ट टॉपिक इज. सो अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस यूजेस फ्लैश मेमोरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. अ पोर्टेबल डिवाइस ऑल्सो सेव्स डेटा व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सप्लाई. ओके, सो पावर सप्लाई के बिना वो कनेक्ट नहीं हो सकता. देन यू कैन कनेक्ट अ पोर्टेबल डिवाइस टू अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग अ स्टैंडर्ड पोर्ट बेस्ड कनेक्टिविटी कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सीरियल बस USB. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टेबल डिवाइसेज अवेलेबल. You can store different types of data files on a portable storage device. For example, documents, images, videos or any programs files. Data can be stored in these devices for a long time. जो भी इसमें
यूएसबी में हम जो भी करते हैं स्टोर डेटा, तो वो कैसा होता है कि लॉन्ग टाइम तक हम रख सकते हैं. दिस डिवाइसेस आर यूज्ड एज अ बैकअप टू स्टोर इम्पोर्टेंट डेटा. नाउ नेक्स्ट इज पोर्टेबल डिवाइसेस हैव सक्सेसफुली रिप्लेस्ड मैनी ओल्ड स्टोरेज मेथड्स सच एज फ्लॉपी डिस्क एंड सीडीज. ओके, तो पोर्टेबल डिवाइसेज ने किसकी जगह ले ली है, तो फ्लॉपी डिस्क और सीडीज की. द यूएसबी कनेक्टिविटी इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट मैनी टाइप्स ऑफ पेरिफेरल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कनेक्टेड विद अ केबल टू अ कंप्यूटर. नाउ नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस और फ्लैश ड्राइव. यूएसबी और पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस, जो हमें पेन ड्राइव हम जो बोलते हैं जिसे, तो दैट कैन होल्ड डेटा ऑफ साइज अप टू 60 GB और इवन मोर. ओके, जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, दिस वन इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव. इट्स लाइक लुक लाइक अ पेन ड्राइव, एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दीज आर बेसिकली द पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स दैट यू कैन कनेक्ट टू अ कंप्यूटर. लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन सच डिवाइसेज विच कैन रीच अप टू सर्वल टेराबाइट्स इन साइज. एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पे है, जो हमारे पास ये एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव है. तो यहाँ पे उसका नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव और SSD. सॉलिड स्टेट ड्राइव इज अ फुल फॉर्म है और SSD इज अ शॉर्ट फॉर्म है. दिस ड्राइव यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स टू स्टोर डेटा. तो क्या करती है कि इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स टू स्टोर डेटा. SSD इज मोर रिलायबल देन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड रन ऑन मच लेस पावर. तो इसे जब हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए कैसा, रन ऑन सच मच लेस पावर, कम पावर में वो यूज़ होती है, चलती है. दिस डिवाइसेस कैन स्टोर अप टू 256 GB ऑफ डेटा. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है. नाउ नेक्स्ट इज SD कार्ड द सिक्योर डिजिटल, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है SD का. सिक्योर डिजिटल SD कार्ड्स आर स्मॉल मेमोरी कार्ड्स दैट आर यूज्ड एज पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस. दिस कार्ड्स यूज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर रीराइटेबल डेटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है, यू कैन सी हियर SD कार्ड्स यूज, यहाँ पे हमारे मोबाइल में कार्ड्स होते हैं उसी टाइप के है, SD कार्ड, मिनी SD कार्ड, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड है जो हमारे सारे SD कार्ड्स है. तो टुडे एन SD कार्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डेटा स्टोरेज. मोबाइल्स में भी हम यूज कर सकते हैं. इट नीड्स नो पावर सप्लाई एंड हैज लोअर बैटरी कंज्यूमेशन. अलॉन्ग विद अ हाई डेटा ट्रांसफर रेट दिस कार्ड्स फिट परफेक्टली इन द स्पेशली मेड स्लॉट्स इन द लार्जर डिवाइस. मोबाइल में या फिर टैबलेट में या फिर लैपटॉप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए एक स्टोरेज के लिए एक परफेक्ट एक जगह दी गई होती है, तो उसी में स्लॉट में हमें डालना होता है उसे. तो दे आर मोस्ट कॉमनली यूज इन मोबाइल फोन्स टू स्टोर डेटा. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मोबाइल्स में ज़्यादा यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट इज SD cards are quite durable with a high operating shocking rating. This means that if the SD card is dropped from a height, it will still continue to function normally without any damages. अगर कहीं से गिरता है तो क्या होता है, कहीं हाइट से वो ड्रॉप गिर जाता है तो क्या होता है, वो फंक्शन करेगा, वो अपना काम करता रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है तो डैमेज होने के बहुत चांसेस कम है उसमें. सम SD कार्ड्स आर इवन वाटरप्रूफ. बहुत से SD कार्ड्स ऐसे भी है जो वाटरप्रूफ है. नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी. नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर. डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल साइज देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ SD कार्ड्स एज फॉलोज. यहाँ पर 3 SD कार्ड्स के हमें बारे में बताया गया है. तो SD, मिनी SD एंड माइक्रो SD, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, उसकी जो हमें पिक्चर दी गई है, SD कार्ड, मिनी SD कार्ड, तो वहाँ पर पिक्चर दी गई है. नाउ नेक्स्ट इज यू कैन फाइंड एन SD कार्ड ऑफ द राइट साइज टू फिट विथ योर डिवाइस. द स्टोरेज कैपेसिटी इन दिस कार्ड्स डिफर रेंजिंग फ्रॉम 2 GB टू 128 GB तक उसका स्टोरेज कैपेसिटी रहता है. नाउ नेक्स्ट इज कॉमन यूज क्या है उसका.
कॉमन यूज है एन एस डी कार्ड इज नॉर्मली यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स फोटोज ई बुक्स म्यूजिक वीडियो एक्सेट्रा. हमारे मोबाइल में लैपटॉप में टैबलेट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया तो उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स हमारे फोटोज ई बुक्स म्यूजिक वीडियो बहुत से हम उसका यूज़ कर सकते हैं. ऐसे एस डी कार्ड्स आर फिटेड इन साइन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सच एज स्मार्टफोन ई बुक्स टैबलेट्स डिजिटल कैमराज म्यूजिक प्लेयर्स एक्सेट्रा. यहाँ पर और भी उसके जो डिवाइसेस है उसमें जो फिट होता है एसडी कार्ड उसका एग्जांपल्स दिए गए हैं. स्मार्टफोन्स तो है ही, ई बुक्स टैबलेट्स भी मैंने आपको बताया और डिजिटल कैमरा एंड म्यूजिक प्लेयर्स में भी वो यूज होता है. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दिस मेमोरी कार्ड टू अ कंप्यूटर थ्रू अ कार्ड रीडर. ओके, सो कार्ड रीडर के थ्रू भी आप उसको यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फ्लैशबैक. हमने इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, तो अ सीडी इज अ रिमूवेबल डिजिटल स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा और प्लेइंग बैक ऑडियो और वीडियो. इस चैप्टर में मोस्टली हमने सीखा कि हमारे मेमोरी हमारी जो डेटा स्टोरेज कौन से हैं चलते हैं वो वाले हमने डिवाइसेस सारे इसमें पढ़े. तो अ डीवीडी होल्ड्स मोर डेटा कंपैरिजन टू अ सीडी. सीडी से ज़्यादा डीवीडी में कंपेयर कर स्टोर होता है डेटा. एचडीडी इज द लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर एंड इट्स सोल पर्पज इज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. एचडीडी मींस हार्ड डिस्क ड्राइव. उसका सोल पर्पज़ क्या है, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना. नाउ नेक्स्ट इज अ यूएसबी डिवाइस इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. It uses flash memory to hold information in it. So USB device क्या है, तो portable storage device है and उसका use क्या है, flash memory to hold information को. सारे इसमें जो हमने सीखे वो सारे उसके यही है कि store कितना करता है वही है उसमें. तो एस डी कार्ड्स आर स्मॉल मेमोरी कार्ड्स एंड यूज एज पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज. एस डी कार्ड्स है, डी वी डी है, यू एस बी फ्लैश ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, बहुत सारे जो हमने इसमें डिवाइसेस देखे जो स्टोरेज ही करते हैं सारे इंफॉर्मेशन डेटास को. नाउ नेक्स्ट इज अवर एक्सरसाइज. सो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नाउ फर्स्ट वन इज अ स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली होल्ड इन्फॉर्मेशन टेम्पररली. सो इट इज फॉल्स सेंटेंस. स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली होल्ड इन्फॉर्मेशन टेम्पररली, नो, तो फॉल्स है सेंटेंस. सेकेंड वन इज अ स्टैंडर्ड सीडी इज यूजुअली अ रीड ओनली स्टोरेज डिवाइस. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. नाउ थर्ड वन इज अ डीवीडी होल्ड्स लेस डेटा इन कंपेरिजन टू अ सीडी. तो फॉल्स है सेंटेंस क्योंकि सीडी में कम डेटा आता है, डीवीडी में ज्यादा आएगा. द डेटा. फोर्थ वन इज द डेटा स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय यू. फॉल्स. डेटा स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. एंड नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन इज अ फ्लैश ड्राइव कैन होल्ड डेटा अप टू सेवरल टेराबाइट्स इन साइज. यस, ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज मैच द कॉलम्स. क्वेश्चन नंबर बी फीचर एंड स्टोरेज डिवाइसेज. सो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लार्जेस्ट. फर्स्ट नंबर से शुरू करेंगे. लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर तो कौन सा है, तो हार्ड डिस्क है वो. वहाँ पर मैंने आंसर ई लिखा हुआ है. यूजुअली रीड ओनली मेमोरी तो आएगा डी कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में. यूजेज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स टू स्टोर डेटा तो ए है सॉलिड स्टेट ड्राइव में. और फोर्थ है यूजेज पोर्ट बेस्ड कनेक्टिविटी तो उसमें आएगा यूएसबी डिवाइस. एंड लास्ट वन इज अ यूएसबी स्लॉट्स इन अदर पोर्टेबल डिवाइसेस. तो लास्ट आंसर है हमारा सी एस डी कार्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर सी. आंसर द फॉलोइंग इन टू टू थ्री लाइन्स सेंटेंसेस ईच. सो फर्स्ट इज डिस्क्राइब अ कॉम्पैक्ट डिस्क. सो अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ रिमूवेबल डिजिटल स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा और प्लेइंग बैक और ऑडियो और वीडियो. उसका यूज क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क डिस्क्राइब करना है तो उसका यूज क्या है और वो कैसे वर्क करती है, दैट इज डिस्क्राइब इन दिस आंसर. नाउ सेकेंड वन इज अ लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टेबल यूएसबी स्टोरेज डिवाइसेज. कौन से पोर्टेबल यूएसबी डिवाइसेज है, तो देर आर यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD and last one is the SD cards, SD etc. So next is number 3, our last question. Set the use of an SD card.
यूज क्या है एसडी कार्ड का, तो देन एसडी कार्ड्स आर स्मॉल मेमोरी कार्ड्स यूज्ड एज पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस. ओके सो दिस इज अवर सेकेंड चैप्टर एंड दिस इज क्लियर हियर ओवर हियर. थैंक यू.